हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, आज लेके आए हैं कि शिक्षा किस प्रकार से संस्कृति से संबंधित है। आखिर संस्कृति दोस्तों है क्या? जब हम संस्कृत की बात करते हैं, यानी आंग्ल भाषा में अगर हम बात करें कल्चर की बात करते हैं, तो इसके साथ हमेशा दोस्तों एक बात आती है, सभ्यता और संस्कृति। तो आज हम बिल्कुल बात करेंगे कि सिविलाइजेशन क्या है और कल्चर क्या है और किस रूप में एजुकेशन दोस्तों इससे संबंधित है। दोस्तों, आदि मानव, यानी अगर हम प्रिमिटिव मैन की बात करें, आदि मानव से आधुनिक मानव के बीच में जो इंसान की जर्नी हुई है, जो यात्रा हुई है, उसमें दोस्तों तमाम पड़ाव आए हैं। तमाम भौतिक परिवर्तनों के दौर से इंसान गुजरा है और वैचारिक परिवर्तन भी दोस्तों हुए हैं। जो भौतिक परिवर्तन हमें इस जहां में, इस संसार में, इस पूरी दुनिया में इंसान के प्रयासों द्वारा जो बनाए गए हैं, जैसे हम दोस्तों बात करें घर की, बात करें मंदिर की, बात करें मस्जिद की, बात करें या इंसान के धार्मिक क्रियाओं को संतुष्ट करने के लिए उसके जो अपने देवी देवता हैं, उनके निमित्त कोई भी अगर संरचना निर्मित की गई है जो हमें मूर्त रूप में दिखती है, तो वो एक प्रकार से दोस्तों सभ्यता है। यानी आदि मानव से आधुनिक मानव की यात्रा में ये सारे पड़ाव आए हैं। ये जो चीज़ें हमें दिखती हैं भौतिक रूप में, वही दोस्तों सभ्यता है, यानी इंसान सभ्य हुआ है। और उसके साथ उसके कुछ अपने विश्वास हैं, उसके अपने कुछ मूल्य हैं, उसका अपना चिंतन है, उसकी अपनी विचारधारा है, उसका अपना सोचने का तरीका, नज़रिया है। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि अभौतिक हैं, जो कि इनविजिबल हैं, जो कि अब्स्ट्रैक्ट है, वही दोस्तों कल्चर है। आप समझ गए होंगे कि सभ्यता जो हमें हमारी नेकेड आईज से, यानी नंगी आँखों से जो दिखती है, जो इंसान के प्रयासों से, यानी सभ्य बनने की दिशा में इंसान ने दोस्तों जब कदम रखे, तो उसके जो प्रयास से जो उसके चारों ओर स्ट्रक्चर दिखती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो टेम्पल हो, या स्टेट यानी राज्य के लेवल पे पूरे पब्लिक को गवर्न करने वाली कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ये सारी की सारी जो बातें रहेंगी वो सभ्यता में रहेंगी। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, शुरू में जो आदिमानव का स्वरूप था वो वस्त्रहीन था, यानी नग्न रहा करता था। उसमें हया जैसी कोई बात नहीं थी, उसमें शर्म जैसी कोई बात नहीं थी। उसका जो आचरण था वो पशुवत था, यानी वो जो मानव था उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं था। तो जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, यानी इंसान दोस्तों सभ्य हुआ, यानी उसमें सिविलाइजेशन आई, वैसे ही आप देख सकते हैं कि वो जो है अपने शरीर को वस्त्रों के माध्यम से दोस्तों ढकने लग गया। तो ये जो वस्त्र हैं वो हमारे सभ्यता के अंग हैं, लेकिन वस्त्रों को पहनने का तरीका किसी सभ्य समाज में अलग हो सकता है, तो जो वेरिएशन यानी विभिन्नताएं दिखती हैं, वही दोस्तों उस स्थान विशेष या उस स्थान विशेष पे रहने वाले जो समूह है उसकी संस्कृति होती है। आप देख सकते हैं कि आदि मानव जो कि जिज्ञासु मानव था, जो कि हर चीज़ों को खोजता था, उसकी जो भी इच्छा थी, चाहे आप ये मानकर दोस्तों चल सकते हैं कि हंगर, थर्स्ट और सेक्स, इन मूल प्रवृत्तियों के इर्द गिर्द उसने जो कुछ भी चीज़ें अपने प्रयास से निर्मित की हैं, वही दोस्तों सभ्यता है। चाहे वो वस्त्र हों, या घर हों, या विद्यालय हों, या मंदिर हों,
या धार्मिक उपासना के कोई भी केंद्र हों। दोस्तों आप देख सकते हैं शुरू में जो इंसान का बनाया हुआ पहला गतिशीलता की दिशा में कदम था दोस्तों वो पहिया था। पहिए से बैलगाड़ी बनी और उसके इंसान की ज़िंदगी में गतिशीलता आई। अब वो दोस्तों खेती करने लग गया था और वो एक प्रकार से आप ये मान के चल सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे दोस्तों वो भ्रमण करने लग गया। और आप देख सकते हैं ये जो गणवेश है, जो यूनिफॉर्म है, जो पहनने का तरीका है, उससे ही स्थान विशेष की संस्कृति का बोध होता है। ये मॉडर्न जो वेशभूषा आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार से जो भी शख्सियत है उनके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का असर हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, या आधुनिक जो मानव है उसकी जीवन शैली के दिग्दर्शन में होते हैं। अब आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ये भारतीय संस्कृति का परिचायक है, जिस रूप में साड़ी महिला पहनी है, तो शरीर के ऊपर ये जो परिधान है उसके जो तरीके हैं वो भी हमारे वैचारिक चिंतन को, हमारी जीवन शैली को, हमारी संस्कृति को दोस्तों बताते हैं। आप देख सकते हैं कि इंसान शुरू में बैलगाड़ी से लेकर के बुलेट ट्रेन या स्पीडी ट्रेन या एरोप्लेन तक दोस्तों आया है। तो आदिमानव से आधुनिक मानव के बीच में जो यात्रा हुई है वो तमाम भौतिक और अभौतिक परिवर्तनों के दौर से गुजरी है। जो भौतिक परिवर्तन हमें दिखते हैं वो इंसान की सभ्यता के निशानी हैं और उसके साथ जो वैचारिक मूल्य हैं वही हमारी संस्कृति हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि आधुनिक मानव और उसकी जो जीवन शैली है, उसकी संस्कृति और सभ्यता दोस्तों पूरी की पूरी दिखती है। पहले इंसान गुफाओं में रहा करता था, कंदराओं में रहा करता था, और आज की जो जीवन शैली है आप देख सकते हैं पूरी जो है हर तरीके की सुख सुविधाओं से संपन्न दोस्तों जीवन है और घर है। और ये आप घर की ही बात कर लें तो गुफाओं से आधुनिक जो जीवन शैली है, जो मकान है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, वो इंसान की सभ्यता की निशानी है। आज दोस्तों हम आ गए अपने टॉपिक पे, संस्कृत का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। संस्कृत का अर्थ भिन्न भिन्न अनुशासनों में भिन्न भिन्न रूप में लिया गया है। इतना नहीं अपितु किसी एक अनुशासन में भी इसके मूल तत्वों के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हमें सर्वप्रथम संस्कृत यानी कल्चर के संप्रत्यय को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यह संसार एक विचित्र अजायब घर है यानी म्यूजियम है। इसकी समस्त वस्तुएं एवं क्रियाओं को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक यानी नेचुरल और दूसरा मैन मेड यानी मानव निर्मित। व्यापक अर्थ में संस्कृत में वह सब कुछ आ जाता है जो मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित है, जैसे बर्तन, वस्त्र, आभूषण, मकान, मशीन, औजार, हथियार, आवागमन एवं दूर संचार के साधन, रहन सहन, खान पान की विधियां, व्यवहार मानदंड, भाषा, साहित्य, कला कौशल, संगीत, नृत्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल। परंतु कुछ विद्वान मनुष्य की समस्त उपलब्धियों को संस्कृत नहीं मानते। उनके विचारों से लोक हितकारी उपलब्धियां ही संस्कृत का अंग होती हैं। संस्कृत शब्द से भी यही अर्थ निकलता है। संस्कृत यानी सम और कृति अर्थात अच्छी प्रकार से सोच समझकर किया गया कार्य। हमारे भारतीय साहित्य में तो संस्कृत को संस्कारों के प्रतिफल के रूप में लिया जाता है। प्रश्न उठता है यह संस्कारों का प्रतिफल क्या है। हम जानते हैं कि मनुष्य की जन्मजात प्रकृति अन्य जीव जंतुओं की सी ही होती है। शिक्षा और संस्कारों की प्रक्रिया द्वारा उसकी इस प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है। अब यदि यह परिवर्तन लोक हितकारी होता है तो उसे हम संस्कृत कहते हैं, और यदि लोक अहितकारी होता है तो हम उसे विकृत कहते हैं। हमारे हिंदू समाज में जो व्यक्ति वही सुसंस्कृत कहा जाता है जो संस्कारों की योजना से होकर गुजर चुका होता है और तदनुकूल आचरण करता है। नीति शास्त्र में तो केवल धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों को ही संस्कृत माना जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस युग में संस्कृत पर सबसे अधिक चिंतन मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों ने किया है। मानव शास्त्री ना तो मनुष्य की समस्त उपलब्धियों को संस्कृत मानते हैं और ना उसे केवल धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों तक सीमित करते हैं। उनकी दृष्टि किसी मानव समाज की संस्कृत में वह सब कुछ आता है
जिसे मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में सीखता है, जैसे ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, रीति रिवाज आदि। प्रसिद्ध पाश्चात्य मानवशास्त्री टायलर महोदय ने संस्कृत को इस रूप में परिभाषित किया, उनके ही शब्दों में, संस्कृत वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रीति रिवाज और इसी प्रकार की अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में सीखता है। इंग्लिश में हम बात करेंगे तो कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। दोस्तों इसको जो है ई बी टायलर ने कहा था, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों इनकी परिभाषा है। आगे चलते हैं, समाजशास्त्री संस्कृत को सीखे हुए व्यवहार के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि से संस्कृत में वह सब आता है जो हम समाज के सदस्य के रूप में सीखते हैं। इस प्रकार से ये संस्कृत को सामाजिक उपलब्धि और सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु संस्कृत के मूल तत्वों के विषय में जो भी समाजशास्त्री हैं वो एकमत नहीं हैं। कुछ समाजशास्त्री मानव की समस्त उपलब्धियों को उसकी संस्कृत मानते हैं और उसे दो वर्गों में विभाजित करते हैं, भौतिक संस्कृत और अभौतिक संस्कृत। भौतिक संस्कृत के अंतर्गत वे बर्तन, वस्त्र, आभूषण, मकान, मशीन, औजार, हथियार और आवागमन एवं दूरसंचार के साधन आदि वस्तुओं को रखते हैं और अभौतिक संस्कृत के अंतर्गत रहन सहन एवं खान पान की विधियों, व्यवहार, मानदंडों, रीति रिवाज, कला कौशल, भाषा साहित्य, धर्म दर्शन, आदर्श विश्वास और मूल्य आदि वैचारिक उपलब्धियों को रखते हैं। पाश्चात्य जगत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ओटावे ने संस्कृत को उसके इस व्यापक रूप में ही स्वीकार किया। उनके ही शब्दों में, किसी समाज की संस्कृत से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। कोई भी सोसाइटी है उसका कल्चर की जब हम बात करेंगे तो उसकी जो टोटल वे ऑफ लाइफ, जो टोटल उसकी लाइफ स्टाइल है, वही कल्चर है। द कल्चर ऑफ ए सोसाइटी मीन्स दैट द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ द सोसाइटी, ए के सी ओटावे ने कहा था। परंतु जिसे ये समाजशास्त्री मानव की भौतिक संस्कृत कहते हैं उसे सामान्य रूप में सभ्यता कहते हैं और जिसे ये अभौतिक संस्कृत कहते हैं उसे सामान्य रूप में संस्कृत कहते हैं। अतः संस्कृत इससे कुछ भिन्न होनी चाहिए। कुछ समाजशास्त्री संस्कृत को मानव की प्रकृति के रूप में लेते हैं जिसका विकास उसमें समाज के बीच समाज की क्रियाओं में भाग लेने के फलस्वरूप होता है और उसकी यह प्रकृति उसके रहन सहन एवं खान पान की विधियों, कला कौशल एवं मनोरंजन के साधनों में अभिव्यक्त होती है। मैकाइवर एवं पेज, दोस्तों मैकाइवर एवं पेज बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, उनकी दोस्तों ये परिभाषा है संस्कृत की। संस्कृति हमारे रहन सहन की विधियों और विचारों, हमारे दैनिक कार्यों, कला साहित्य धर्म और आमोद प्रमोद के साधनों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। आगे चलते हैं दोस्तों। कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग एंड ऑफ थिंकिंग इन आवर एवरी डे इंटरकोर्स इन आर्ट, इन लिटरेचर, इन रिलीजन, इन रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट। बहुत खूबसूरत दोस्तों इनकी परिभाषा है कि जो दैनिक जीवन में हम करते हैं उसमें हमारी संस्कृति दिखती है, चाहे वो हमारा चिंतन हो, चाहे वो हमारे जीवन का ढंग हो, चाहे हम साहित्य को जिस रूप में पढ़ते हैं, चाहे दैनिक जीवन में हम बात व्यवहार करते हैं, चाहे हम दैनिक जीवन में मनोरंजन करते हैं, वो सारी बातें जिस रूप में करते हैं वो हमारी संस्कृति है। संस्कृत के वास्तविक संप्रत्यय को समझने के लिए हमें कुछ अपने ढंग से सोचना समझना होगा। यदि हम मानव विकास की कहानी पर विचार करें तो स्पष्ट है कि अपने आदिकाल में वह पशुवत जीवन जीता था। धीरे धीरे उसने अपने मस्तिष्क और बुद्धि के प्रयोग से अपने जीवन को सरल एवं सुखमय बनाने हेतु अपने रहन सहन एवं खान पान की विधियाँ विकसित की, विचारों के आदान प्रदान हेतु भाषा का विकास किया और अपने प्रयोग की अनेक वस्तुओं का निर्माण किया, क्योंकि उस समय आवागमन हेतु ना तो मार्ग थे और ना साधन। इसलिए संसार के भिन्न भिन्न भागों में बसे मनुष्यों ने अपने रहन सहन एवं खान पान की विधियाँ विकसित की, अपनी अपनी भाषाओं का विकास किया और अनेक अन्य वस्तुओं का निर्माण किया। कालांतर से उन्होंने व्यवहार प्रतिमान, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत नृत्य, भाषा साहित्य, धर्म दर्शन, आदर्श विश्वास और मूल्य विकसित किए। विकास के इस क्रम में एक स्थिति ऐसी आई जब उससे उन्हें संतुष्टि हुई,
परिणामतः वे उनके जीवन के अंग बन गए। इतिहासकार इस सब को मानव की सभ्यता और समाजशास्त्री उसकी संस्कृत कहते हैं। विकास के इस क्रम में हमने आवागमन के मार्ग बनाए, साधनों का विकास किया और हम एक दूसरे के संपर्क में आए और हमने एक दूसरे की सभ्यता एवं संस्कृत को सीखना प्रारंभ किया। आधुनिक युग में तो आवागमन के साधनों में बड़ा विकास हुआ है। कल का असीमित संसार असीमित हो गया और हम विश्व भर की सभ्यता एवं संस्कृत के तत्वों को दोस्तों ग्रहण कर रहे हैं। परंतु यह ध्यानपूर्वक देखा जाए तो आज भी इन विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों में कुछ मूल तत्व ऐसे हैं जिनकी अलग पहचान बनी हुई है। हमारी दृष्टि से ये मूल तत्व ही समाज विशेष की संस्कृतियाँ हैं और ये मूल तत्व समाज विशेष की रहन सहन एवं खान पान की विधियों, व्यवहार प्रतिमानों, रीति रिवाजों, भाषा साहित्य, कला कौशल, संगीत नृत्य, धर्म दर्शन, आदर्श विश्वास और मूल्यों के रूप में देखे समझे जा सकते हैं। हम अपनी बात को और स्पष्ट कर दें, प्रत्येक समाज ने अपनी अपनी भाषाएँ विकसित किया है, अपने अपने रहन सहन एवं खान पान की विधियाँ, व्यवहार प्रतिमान, रीति रिवाज, भाषा साहित्य, कला कौशल, संगीत नृत्य, धर्म दर्शन, आदर्श विश्वास और मूल विकसित किए और ये एक दूसरे से भिन्न है, इनकी अपनी अलग पहचान है। तब संस्कृत को निम्नलिखित रूप में हम दोस्तों परिभाषित करेंगे। किसी समाज की संस्कृत से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन एवं खान पान की विधियों, व्यवहार प्रतिमानों, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत नृत्य, भाषा साहित्य, धर्म दर्शन, आदर्श विश्वास और मूल्यों के उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उसकी आस्था होती है और जो उसकी अपनी पहचान होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट भैया जे पी दुबे नमक चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।